हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक एंगल कैसर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन दोस्तों के प्रॉब्लम को, इशू को लेके, जिनको अक्सर ये फेस करना पड़ता है कि जब भी उन्होंने कोई नई ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करनी है तो उनको एरर आता है इनसफिशियंट इंटरनल मेमोरी, यानी उनकी जो फ़ोन की मेमोरी है, उनके मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है, स्पेस जो है वो बहुत कम है, ये एरर देखने को मिलता है। और यहाँ वो कभी अपने मोबाइल से कोई वीडियो शूट कर रहे हैं या कोई कहले पिक्स बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, तो उनको अक्सर एरर आता है कि आपके मोबाइल की जो इंटरनल स्पेस है ये बहुत कम है, ब्राय मेहरबानी कुछ ऐप्स को या कुछ डाटे को अपने को डिलीट करें, ये हरकत ये काम करने से पहले। तो आज की वीडियो बिल्कुल उन नौजवानों के नाम है, उन दोस्तों के नाम है जिनको अक्सर ये एरर आते रहते हैं। तो मैं आज आपको सेटिंग के अंदर जाके एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी इंटरनल मेमोरी मोबाइल की जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज ये आपको शो करवाने जा रहा हूँ, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को यहाँ से कर दें लाइक, और अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दें यहाँ से सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे कर दें क्लिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल पे ये ट्रिक अप्लाई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा मेमोरी, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है टेक्निक। तो ये मैं आज आपको शो करवाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को आज कर ही दें, आज लाइक कर ही दें, जो बंदा नहीं भी करता आज वो भी लाइक कर ही दें। मेरी ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर ये काम करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा कि क्या आपको ये मेरी वीडियो का फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, यकीन है इंशाल्लाह लाजमी होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल की जो इंटरनल स्पेस है वो शो करवाता हूँ कि कितनी फ्री है, उसके बाद मैं आपको वो बताता हूँ कि कैसे आपने इसको इंक्रीज करना है। तो मैं जाता हूँ सेटिंग के अंदर, ये देखिए मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाके आपने ढूंढना है जी, यहाँ पे कई मोबाइल के ये बाहर ही लिखी होती है स्टोरेज, तो इस मोबाइल के आपने ढूंढना है सिर्फ स्टोरेज, जिस जगह स्टोरेज लिखा हुआ है ना आपने उस चीज़ को हिट करना है, वहाँ जाना है, स्टोरेज वाला ऑप्शन ढूंढना है। अब यहाँ मेरे इस मोबाइल के अंदर बाहर नहीं है, तो एडवांस सेटिंग के अंदर, हर मोबाइल के अंदर किसी के बाहर होती है किसी के ये एडवांस सेटिंग के अंदर होती है, तो मैं क्लिक करूँगा एडवांस सेटिंग को। एडवांस सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ गया स्टोरेज एंड USB, कई मोबाइल के बाहर ही लिखा होता है स्टोरेज और ये कई मोबाइलों के अंदर होता है, एडवांस सेटिंग के अंदर जाके ये स्टोरेज एंड USB, इसको मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मैं ब्लर ख़त्म करके आपको दिखाता हूं, ये चेक करवाता हूं आपको ब्लर ख़त्म, ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरी इंटरनल स्टोरेज जो है ना वो टोटल मेरा 32 GB है, इंटरनल मोबाइल की स्टोरेज, ये मेरा काफ़ी पुराना मोबाइल है, जो नए मोबाइल है उनकी बहुत ज़्यादा होती है इंटरनल स्टोरेज, ये मेरी बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना कंपनी ने मुझे दी है 32 GB, उसमें से ये 24 GB जो है ना वो यूज़ हो रही है, ठीक है। तो बाकी कितनी बची मैं आपको बताता हूँ, 8 GB मेरी अभी कह लेंगे फ्री स्पेस है, 8 GB मेरी फ्री इंटरनल जो स्टोरेज है ना वो अवेलेबल है इस मोबाइल की। अब 8 GB से मैंने कैसे इंक्रीज करना, आप ये भी चीज़ देखिएगा, ये देखिए इतनी ये वाला जो ग्रे कलर का ना, इतनी मेरी जो है ना अभी अवेलेबल है स्टोरेज इस मोबाइल की। अब इसको हमने इंक्रीज करना, ये ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको बाद में भी शो करवाना, तो ये आपने चेक करना है कि बड़ी है कि नहीं बड़ी, ये देखिए ग्रे इतनी है, ये ग्रे ऑटोमेटिकली ये पीछे होनी चाहिए, यानी स्पेस जो है इंटरनल अगर बढ़ेगी तो ये 8 GB से ज़्यादा होगी। अब देखिए ये नोट कीजिएगा 24 GB जो है ना वो मेरी यूज़ हो रही है, और 8 GB बस 32 GB में से 8 GB कह लें कि मेरी फ्री है। तो ये मैं आपको शो करवाता हूँ, आपने क्या करना है इसके अंदर क्लिक करना है जाके, क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना जिस जगह लिखा हुआ कैश्ड, ये देखिए कैश डाटा, ये कह लेंगे मोबाइल का जो कैश डाटा, आपने ये नीचे आना क्लिक करने के बाद ये नीचे आए, नीचे ये लिखा हुआ कैश डाटा, ये 2.7 मतलब कि 3 GB जो है ना ये मेरा डाटा ये कह लें कि फजूल है, ये एक कैश सिस्टम होता है, ये वेब में भी होता है, ये मोबाइल के कह लें कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जो,
कैसी होती है, जो भी चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, सेव करनी है, वक्ती तौर पे इस पर सेव हो रही होती है। तो ये जो है ना, बार बार जो आपने यूज़ करना, तो ये कैशे मेमोरी से उठा उठा के आपको ये शो करवा रहा होता है। तो ये कैशे आपने ना डिलीट करनी है, ये कैशे आपने करनी है क्लियर, ये वाली। तो ये क्लियर करने से आपकी कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऐप को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, सारी की सारी हर चीज़ वैसे ही सेव की सेव रहेगी। ये बस आपने क्लियर करनी है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमें अब कह रहा है कि ये मैं आपको ब्लर खत्म करके दिखाता हूँ। ये हमें अब कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर कैशे डाटा। यस, ये सारी ऐप का जो डाटा कैशे है इसको कर देगा क्लीन, इसको करके डिलीट। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी ऐप या किसी भी आपकी इमेज किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पड़ा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर कोई आपका इफेक्ट पड़ा तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब करके भाग जाइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसको कर देना ओके। ये देखिए मैंने किया ओके। तो अब आए हैं पीछे, अब मैंने ओके करके मैं पीछे आया हूँ। यहाँ थी ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ थी 24 GB। ये देखिए यहाँ पे पहले थी 24 कुछ, ठीक है ना, जो मेमोरी यूज़ हो रही थी, अब यूज़ हो रही है 22। हमने तकरीबन 3 GB का जो स्पेस है ना इंटरनल स्टोरेज वो बढ़ा ली है। ये ग्रे भी चेक कर लें, ग्रे पहले यहाँ पे था, अब ये देखिए पीछे आ गया, ये फ्री स्पेस हमारी इंक्रीज हो गई है।